नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। त्रिवेंद्र सिंह रावत बने उत्तराखंड के नए सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक में त्रिवेंद्र के नाम पर लगी मुहर। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में पेश किया सरकार बनाने का दावा। बीजेपी विधायक और सीनियर नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे। बीजेपी के पर्यवेक्षक नरेंद्र तोमर और सरोज पांडे की मौजूदगी में त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर लगी मुहर। प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे मौजूद। त्रिवेंद्र सिंह रावत कल उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। झारखंड बीजेपी के प्रभारी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। 2007 से 2012 उत्तराखंड में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद समर्थक खुशी में झूमे, जमकर मना रहे हैं जश्न। उत्तराखंड का सीएम चुने जाने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेहतर सरकार का किया वादा। कहा प्रदेश में बनेगी पारदर्शी सरकार। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा गरीबी उन्मूलन होगी उनकी सरकार की प्राथमिकता। कल चुना जाएगा यूपी का नया सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक में तय होगा नाम। कल शाम 5 बजे होगी बैठक। बीजेपी विधायक दल की बैठक में दोनों पर्यवेक्षक रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में चुना जाएगा नया सीएम। 19 मार्च को होगा यूपी के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। पीएम नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण में रहेंगे मौजूद। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने रविवार को होने वाले शपथ ग्रहण पर लगाई मुहर। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने की कही बात। लखनऊ में सीएम के शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां शुरू। स्मृति उपवन या लमाटी नियर ग्राउंड पर हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। जी न्यूज से बोले यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर। पार्टी के कार्यकर्ताओं में से ही चुना जाएगा यूपी का नया सीएम। खुद की सीएम उम्मीदवारी को लेकर नहीं टूटी यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की चुप्पी। जी न्यूज से बोले पार्टी विधायक दल की बैठक में कल तय होगा नाम। यूपी सीएम पद की दावेदारी से केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने किया इनकार। कहा न तो वो रेस में हैं और न रेस के बारे में जानते हैं। यूपी के सीएम पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान। कहा सीएम जो भी होगा भाग्यशाली होगा। बीजेपी सरकारें दूर करेंगी मंदिर बनाने की अड़चने। यूपी विधानसभा चुनाव में हारे विधायकों ने आवास खाली करना किया शुरू। मंत्री रहे रविदास मेहरोत्रा ने भी सरकारी आवास खाली किया। रविदास मेहरोत्रा के खाली सरकारी आवास पर लगा मोदी मैजिक लिखा हुआ ताला। यूपी में अपनी पसंद का सीएम बनाने के लिए जगह जगह जारी है हवन और पूजा। कानपुर में स्थानीय नेता सतीश महाना, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह के लिए जारी है पूजा पाठ। हरियाणा में कल खत्म होगा जाट आरक्षण। आंदोलनकारियों का धरना, सरकार ने मानी प्रदर्शनकारियों की सात मांगें। हरियाणा में लंबे वक्त से आरक्षण की मांग कर रहे थे जाट समुदाय के लोग। 47 दिनों से धरने पर बैठे थे। गोवा में बीजेपी सरकार बनाने पर राज्यसभा में कांग्रेस का हंगामा। राज्यपाल की भूमिका पर उठाए सवाल, जनादेश का बताया अपमान। एनसीपी की सफाई, गोवा की परिकर सरकार को नहीं दिया समर्थन। समर्थन देना चर्चिल उलेमाओं का निजी फैसला था, पार्टी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। 5 राज्यों में चुनाव नतीजों के बाद पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष की एकजुट होने की कवायद। 2019 के लिए तैयार हो सकता है महागठबंधन का फॉर्मूला। जेडीयू ने कहा है कि विपक्ष को मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ विकल्प तैयार करना चाहिए। महागठबंधन के नेता के तौर पर जेडीयू ने सुझाया नीतीश कुमार का नाम। कहा नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। कांग्रेस की नजर में मोदी को टक्कर देंगे राहुल गांधी। पार्टी नेता राज बब्बर बोले मोदी को राहुल गांधी की सादगी ही हरा सकती है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने महागठबंधन बनाने की कवायद पर ली चुटकी। कहा 100 लंगड़े मिलकर भी पहलवान नहीं बन सकते हैं। विपक्ष के महागठबंधन के विचार पर बीजेपी का पलटवार। कहा ऐसे गठबंधन की चर्चा का मतलब है कि विपक्ष साथ मिलकर डूबना चाहता है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, देश को सिर्फ और सिर्फ विकास और काम करने वाले पीएम मोदी पसंद हैं, किसी भी मुकाबले से कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का दावा, 2019 में कांग्रेस और विपक्ष पीएम मोदी के मुकाबले और मजबूती से उतरेगा। बीजेपी नेता सीपी ठाकुर बोले 2019 में पीएम मोदी के मुकाबले के लिए विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है। निजामुद्दीन दरगाह के खादिम समेत 2 मुस्लिम धर्मगुरु पाकिस्तान में हुए लापता। लाहौर के दाता दरबार में जियारत के लिए गए थे। पाकिस्तान में गायब हुए भारतीय मौलवियों पर बोला पाकिस्तान, मामले की गंभीरता पर नजर बनाए हुए। जियारत के बाद सैयद आसिफ अली निजामी और नाजिम अली निजामी लाहौर से कराची पहुंचे। इसके बाद से ही लापता हैं लोग। मुस्लिम धर्मगुरुओं की गुमशुदगी पर सुषमा स्वराज का ट्वीट। लिखा भारत सरकार पाकिस्तान के संपर्क में है, पाकिस्तान को दोनों का पता लगाने के लिए कहा गया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार
अब्बास नकवी का बयान, कहा सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है, पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ संपर्क में है भारत सरकार। नाजिम निजामी के बेटे आमिर निजामी के मुताबिक दोनों के मोबाइल बंद हैं, आमिर निजामी ने सरकार से दोनों का पता लगाने की गुहार लगाई है। नारद सिंह केस की होगी सीबीआई जांच, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश। नारद सिंह में ममता सरकार के कुछ मंत्रियों, टीएमसी के नेताओं और अफसरों पर पैसे लेने का आरोप है। नारद सिंह को ममता बनर्जी ने बताया बीजेपी की साजिश, सुप्रीम कोर्ट में देंगी कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। आईएसआईएस की धमकी के बाद बढ़ाई गई ताजमहल की सुरक्षा, हर घंटे हो रहा है मॉक ड्रिल। अनंतनाग में लगाए गए लश्कर के पोस्टर, लोगों को चुनाव से दूर रहने की धमकी। शाजापुर ट्रेन ब्लास्ट के तीनों आरोपी 27 मार्च तक एनआईए की रिमांड पर, भोपाल कोर्ट में हुई थी पेश। देवबंद का नाम बदलवाना चाहते हैं स्थानीय बीजेपी विधायक, ब्रजेश सिंह ने दिया देववृंद नाम रखने का सुझाव। देवबंद पर समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल का बयान, कहा ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी जानबूझकर इस तरह के मुद्दे उठाती है। बीजेपी नेता सीपी ठाकुर का बयान, कहा बड़ी जीत हुई है, नेताओं को नजरिया भी बड़ा ही रखना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में कैबिनेट मंत्री के तौर पर पद संभाला, स्थानीय प्रशासन, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामले, आर्काइव्स एंड म्यूजियम जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। सामने आई हैदराबाद के सरकारी अस्पताल की शर्मनाक तस्वीर, बच्चों की साइकिल से डॉक्टर के वार्ड में पहुंचा मरीज, व्हीलचेयर के लिए मांगी गई थी 150 रुपए की रिश्वत। आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की याचिका राष्ट्रपति के पास भेजी गई, आरटीआई एक्टिविस्ट विवेक गर्ग ने की शिकायत। दिल्ली के एलजी ने एमसीडी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग ठुकराई, केजरीवाल ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में बढ़ी युवा कार्यकर्ताओं की भीड़, एमसीडी चुनाव में नए लोगों को टिकट दे रही है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को लिखी चिट्ठी, पंजाब गोवा के नतीजों पर कहा हार जीत राजनीति का हिस्सा। सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सैकड़ों एमसीडी कर्मचारियों का प्रदर्शन, बकाया एरियर्स और वेतन के भुगतान को लेकर सीएम पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। दिल्ली के एम्स में 5,000 नर्स आज सामूहिक छुट्टी पर रही, सातवें वेतन आयोग में भेदभाव का है आरोप। सामूहिक छुट्टी पर गई एम्स की नर्सिंग स्टाफ की चेतावनी, कहा मांगे नहीं मानी गई तो 27 मार्च को भी काम का बहिष्कार करेंगे। दिल्ली में जेबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन, कैंपस बनाने की मांग। जेबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के प्रदर्शन पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने कहा कैंपस बनाने की तैयारी लेकिन लगेगा वक्त। मुंबई में एक महिला के साथ तीन लोगों ने गैंगरेप किया, पीड़िता ने पांचवीं मंजिल से लगाई छलांग, दो आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी पकड़ से बाहर। दिल्ली के द्वारका के होटल में आग, होटल में ठहरे हुए थे महेंद्र सिंह धोनी, आग में धोनी की क्रिकेट किट जली। दिल्ली के बेगमपुर में मामूली झगड़े में गई व्यापारी की जान, दुकान के सामने से कार हटाने को कहा तो व्यापारी को ही कुचल कर मार डाला। दिल्ली में मूलचंद के पास प्राइवेट स्कूल बस ने स्कूटी को टक्कर मारी, हादसे में 18 साल की लड़की की मौत हो गई, पकड़ा गया ड्राइवर। मुंबई के धारावी में एसबीआई की ब्रांच में लूट, बदमाशों ने 1.5 करोड़ कैश लूटा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। बेंगलुरु में बीजेपी नेता की हत्या के आरोप में 5 गिरफ्तार, मॉर्निंग वॉक के दौरान धारदार हथियार से हुआ था हमला। आगरा की ट्रांस यमुना कॉलोनी में पत्रकार के घर फायरिंग, छोटे भाई ने बीजेपी के समर्थन में लिखी थी फेसबुक पोस्ट। यूपी के मुरादनगर में सिपाही पर रेप की कोशिश का आरोप, महिला की शिकायत पर आरोपी लाइन हाजिर। यूपी के बदायूं में हलवाई ने 6 लोगों पर खौलता तेल डाला, पुलिया बनाने को लेकर हुआ था विवाद। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक जिम में महिलाओं से बदसलूकी, वीडियो में मारपीट करता दिख रहा है एक व्यक्ति। औरंगाबाद में पति ने धारदार हथियार से पत्नी पर हमला किया, अस्पताल में भर्ती पत्नी की हालत गंभीर, पुलिस मामले की कर रही है जांच। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में सामने आया चोरी का अनोखा वीडियो, मूक बधिर बनकर मोबाइल शॉप में घुसा चोर, उड़ा ले गया मोबाइल। असम में पकड़े गए 4,40,000 के नकली नोट, सभी नोट 2,000 के, बीएसएफ ने किया सीज। ग्वालियर में होली पर थाने में शराब पार्टी पड़ी महंगी, थाने के 15 पुलिस वाले सस्पेंड, एसपी ने दिया जांच का आदेश। बिहार के समस्तीपुर में 3 फर्जी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स को बंधक बनाकर पिटाई, पुलिस ने बड़ी कोशिश के बाद छुड़ाया। जेएसपीएल कोर्ट केस में सीबीआई आज पेश नहीं कर पाई फाइनल रिपोर्ट, अदालत से मांगी मोहलत, फटकार के बाद कोर्ट ने 24 मार्च को फाइनल रिपोर्ट जमा कराने को कहा। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कर्नर ने सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों से मांगा 14 करोड़ का मुआवजा, जारी किया आदेश। असम की गायिका नाहिद पर फतवे के खिलाफ शिवसेना ने सवाल उठाए, पूछा वार्ड वापसी गैंग और बॉलीवुड क्यों है चुप। इलाहाबाद में नमामि गंगे योजना में स्कूली बच्चों से बेरहमी, संगम की रेत पर देर तक खड़ा रखा गया, एक बच्ची बेहोश होकर गिर गई। हरियाणा में सिरसा के 16 गांवों में हुई शराबबंदी, अवैध शराब बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई।
होली के बाद आज मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनाई जा रही है रंग पंचमी। इंदौर भोपाल समेत अलग अलग शहरों में रंग पंचमी की धूम, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। टेलीकॉम ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए ओम्बड्समैन बनाने की सिफारिश, राइट चेयरमैन ने कहा काफी समय से महसूस की जा रही है इसकी जरूरत। देश में विलफुल डिफॉल्टर्स पर 91,155 करोड़ का कर्ज बकाया, वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने दी जानकारी, कहा 9,130 लोग जानबूझकर नहीं चुका रहे हैं कर्ज। एसबीआई चेयरमैन के खिलाफ महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता ने दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस, किसानों की कर्ज माफी के खिलाफ दिया था अरुंधति भट्टाचार्य ने बयान। 9,200 का रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद फिसला बाजार, सेंसेक्स 63 और निफ्टी 6 अंक चढ़कर बंद, एफएमसीजी आईटी शुगर शेयरों में तेजी। अगले महीने होगी नेशनल स्टील पॉलिसी की घोषणा, पॉलिसी को लेकर अलग अलग मंत्रालयों से बात जारी, घरेलू स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। फ्रांस के ग्रासे में हाई स्कूल में गोलीबारी, 4 लोग घायल, हेड टीचर को बनाया गया था निशाना, 17 साल का छात्र गिरफ्तार। पेरिस के आईएमएफ के दफ्तर में एक लिफाफा खोलते ही धमाका, एक व्यक्ति घायल, अफरा तफरी मची। विदेशी सहायता में 28% की कटौती करेंगे ट्रंप, पाकिस्तान जैसे देशों पर इसका असर पड़ेगा। चीन के झिजियांग प्रांत में बर्फबारी ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, बर्फबारी से बड़ी संख्या में जानवरों के मरने की भी खबर है। पेरू में बारिश और बाढ़ का कहर, जोसेका में कीचड़ के बहाव में फंसा एक ट्रक, ड्राइवर बड़ी मुश्किल से बचा पाया अपनी जान। सोमालिया में समुद्री डाकुओं की कमर्शियल जहाज को हाईजैक करने की कोशिश, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 लोग घायल। पाकिस्तान के कराची में होली के कार्यक्रम का पुराना वीडियो सामने आया, कार्यक्रम में चीफ गेस्ट नवाज शरीफ के सामने गाया गया गायत्री मंत्र। कार्यक्रम में हैप्पी होली कहकर की नवाज शरीफ ने भाषण की शुरुआत, कहा इस्लाम में जबरन धर्मांतरण अपराध। रांची टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 451 रन पर खत्म, कप्तान स्मिथ 178 रन बनाकर रहे नॉट आउट, जवाब में भारत ने बनाए एक विकेट के नुकसान पर 120 रन। भारत की तरफ से गेंदबाजी में चमके रविंद्र जडेजा, ऑस्ट्रेलिया के 5 बल्लेबाजों को किया आउट। बाहुबली की टीम ने करण जौहर को गिफ्ट की कटप्पा की तलवार, करण ने तलवार को बताया सबसे बड़ा तोहफा। महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट की फिल्म का डायरेक्शन नहीं करना चाहते, भट्ट के मुताबिक उनमें अब वो पुरानी बात नहीं। लंदन के फैशन शो में हुई कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में सवाल से बचती दिखी बिपाशा, सवाल का जवाब देने से इनकार किया। फिर पद्मावती के लिए रणवीर और दीपिका ने छोड़ा एक दूसरे का साथ, रियल और रील लाइफ के बीच दर्शकों को उलझन में नहीं डालना है मकसद।